नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के कोरोना के मामलों की अपडेट आ चुकी है और अम्बाला में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव सिंगला। सर, आज सबसे पहले तो ये बताइए, कितने मामले सामने आए हैं? आज अम्बाला जिले में 417 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इनमें से 417 में से अम्बाला शहर से 125 हैं, अम्बाला कैंट से 102 हैं, चोड़मोसपुर से 72 हैं, नारायणगढ़ से 13 हैं और शहजादपुर से 42 हैं, बराड़ा से 8 हैं और मुलाना से 55 हैं। टोटल 417 मामले हैं और आज जो डिस्चार्ज हुए हैं 258 हुए हैं और 11 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि दुखदायी है। सर, लगातार कोरोना से होने वाले लोगों की जो मौत है उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल भी 13 लोगों की जान गई, आज भी तकरीबन इतने ही लोगों की जान गई। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कारण है? क्या लोगों को इलाज सही नहीं मिल रहा या मरीज लेट सामने आ रहे हैं? इलाज की व्यवस्था सभी अस्पतालों में की गई है, कई प्राइवेट अस्पतालों में की गई है, लेकिन है कि लोगों और अगर समय से लोग अपने इलाज के लिए आगाह कर हो जाते हैं तो इस परिस्थिति में बचा जा सकता है और इसके जो है रिकवरी अच्छी है। लेकिन है कि लोग अपने जो फ्लू के लक्षण हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं और देर से इसका इलाज शुरू करते हैं, इसी कारण से ये आंकड़ा इतना बढ़ता है। सर, गर्मी का मौसम है, इस समय में लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आम सी बात है कि बुखार होना लाजमी है। तो ऐसे में अगर किसी को हल्का बुखार होता है तो उसको भी क्या कोरोना की सैंपलिंग करवाना ज़रूरी होगा? सर, मैम, ये इसमें सैंपलिंग तो कोई भी बुखार है तो अगर कहीं से भी सैंपलिंग बुखार लक्षण दिखते हैं तो बेटर है कि हम इसका टेस्ट करवा लें और इसका शुरू से जल्दी इलाज शुरू कर दें। कहीं ना कहीं इसका संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है तो इस कारण से हमें इसके में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। धन्यवाद। आज कोरोना के मामले 400 से ऊपर आए हैं, कल 608 मामले सामने आए और कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप में कोरोना के थोड़े से भी लक्षण हैं तो ज़रूर अपना सैंपल करवाएं और कोरोना से बचाव की सभी हिदायतों का पालन करें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएँ, क्योंकि मास्क है तो ज़िंदगी है। बहरहाल, अम्बाला से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।